कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नए एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है स्पैन ऑफ अटेंशन। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हमारे बीएलएड के कोर्स में, ताकि बीएड के कोर्स में, तो वो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल ये वीडियो होगी जो बच्चे बीएलएड कर रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से। तो स्पैन ऑफ अटेंशन जो हमारा एक एक्सपेरिमेंट नया है, इसको हिंदी में बोलते हैं ध्यान की अवधि। तो ध्यान की अवधि, इस एक्सपेरिमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है वो मैंने लिख रखा है। जैसे कि ये जो इसका ऑब्जेक्टिव है, प्रयोजक मतलब सब्जेक्ट के ध्यान विस्तार का सार्थक और निरर्थक शब्दों के माध्यम से निरीक्षण। हमें इसमें, इस एक्सपेरिमेंट में हमें ये देखना है कि हम जो हमारे पास सब्जेक्ट होगा, जो सब्जेक्ट होगा उसको हम कार्ड, एक हमारे पास होंगे 6x4 के, जो हम कार्ड्स बनाएंगे इसमें 6x4, जैसा कि ये सामने आपको दिख रहा होगा, ये 6x4 का एक कार्ड है, ठीक है, इसकी लेंथ और ब्रेथ। तो 6x4 का कार्ड बनाने के बाद हम इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम ये देखेंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट है, एक जो स्वस्थ कहते हैं एक तरह से, जो स्वस्थ मनुष्य है उसका जो ध्यान का विस्तार है वो कहाँ तक, किन शब्दों तक हो सकता है। तो इस एक्सपेरिमेंट हम क्या करेंगे, 6x4 के हम कार्ड्स बनाएंगे, 15 और 15 कार्ड्स बनाएंगे, यानी कि 15 हमारे मीनिंगफुल होंगे, सार्थक, और 15 होंगे निरर्थक। और इन कार्ड्स पे, इनके एक सिरे पे आपको लिखने वर्ड्स लिखने होंगे, इंग्लिश के वर्ड्स लिखने होंगे। जैसे कि पहले, अगर हम पहले वर्ड्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले वर्ड्स में अगर हमने कोई मीनिंगफुल लिखा तो उसमें लिखा मान लीजिए एम। फिर सेकेंड कार्ड पे हम थर्ड, तीन अक्षरों का, जैसे थर्ड में अगर हम यूज करते हैं FOR। फिर अब हम थर्ड पे चार अक्षरों का पेयर लिखेंगे, जैसे कि फ्री, FRII। तो इसी तरह से हम सीक्वेंस वाइज 2, 3, 4, 5 ये हम कार्ड पे, यानी कि हम पहला जो कार्ड लेंगे उसमें हम जो वर्ड्स यूज करेंगे 2, फिर दूसरे पे हम 3, इस तरह से हम सीक्वेंस वाइज करते जाएंगे। तो हमारा जो 15 कार्ड होगा, यानी कि हमारे 15 कार्ड पे जो वर्ड्स होंगे उसमें टोटल कितने होंगे, 16 वर्ड्स होंगे। तो इस तरह से आपको मीनिंगफुल और इसी तरह से आपको नॉन मीनिंगफुल के कार्ड्स बनाने। जैसे कि एक डेमो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए हमारा मीनिंगफुल वर्ड्स के कार्ड्स बने हुए हैं। लेंथ और ब्रेथ 6x4 की है, देखिए इसमें 4, फिर ये 5, ये 6, ये 7, सो ऑन करते करते देखिए लास्ट आपको दिखेगा इंटरेस्ट, फिर इसके बाद वंडरफुल, इसके बाद ये देखिए नॉन मीनिंगफुल वर्ड स्टार्ट हो। इसी तरह आपको सेम सीक्वेंस नॉन मीनिंगफुल में भी यूज करना है, जैसे कि सेकेंड वर्ड का एक्स वाई, टी एम वी, टी ए वी, या नेक्स्ट लिखते एम एक्स वाई ए। इस तरह से आपको कितने कार्ड्स प्रिपेयर करने, 15 और 15। इस तरह से आप कार्ड्स प्रिपेयर करने के बाद फिर मैं आपको इसके आगे का जो है प्रोसीजर, मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो, आपको कल के वीडियो बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।